अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि खालिद बिन वलीद कौन थे और कैसे इन्होंने इस्लाम को अपनाया था? अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 सदी को हुई थी। आप हमेशा से ही बहादुर सिपाही थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में 200 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी थी, लेकिन एक भी जंग में आपको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। आपने अपने वक्त की ताकतवर सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ भी कई जंगें लड़ी थी। जंगे उहद, वो जंग में काफिरों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनी की, लड़े, तलवार के जोर से जेर नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि खालिद बिन वलीद बड़ा गैरतमंद वाला आदमी है। 70 सहाबा को खालिद बिन वलीद ने शहीद किया गजलाए उहद में, इस्लाम दुश्मनी में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग में सुलह हो गया था तो उन्होंने पैगाम भेजा कि उन्हें जाके बताओ कि नबी ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारे जैसा समझदार और ज़हीन आदमी जिसके अब तक इस्लाम समझ में नहीं आ रहा। तो खालिद बिन वलीद ने जब ये सुना तो वो बड़े मुतासर हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद काफ़ी परेशानी में रहते थे। इनकी परेशानी की वजह ये थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद। वो सोचते थे जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो हर बार आपने बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ काफिरों को मुंह की ही खानी पड़ी है। आप सोचते रहते कि मुसलमानों के पास सच में कोई ताकत मौजूद है और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब उन्हें वो ख़त मिला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था तो वो मुतासिर हुए और मक्का आए तो रसूल अल्लाह के पास आकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जंगे मोहता में ईसाई फ़ौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी। ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। ये जंग में हज़रत जैद, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्दुल्ला, ये तीनों सहाबी एक के बाद एक शहीद हो गए। इसके बारे में नबी ने पहले ही बता दिया था। तब आगे बढ़कर फ़ौज की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद ने संभाली और दुश्मनों की वाट लगा दी। और इसके बाद ही रसूल अल्लाह ने इन्हें सैफुल्ला यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए काफ़ी जंगें लड़ी और मैदान जंग में ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जो तारीख बन गईं। आज तक ऐसा कोई भी कमांडर नहीं होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग ना हारी हो। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद एक लौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उन्होंने इराक को जीता, ईरान को जीता, सीरिया को जीता, आर्मेनिया, जॉर्डन को जीता और कई सारी जीत हासिल की। उनकी छोटी सी फ़ौज होने के बाद भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने बड़ी बड़ी फ़ौजों को शिकस्त दी। जंगे फ्रास, जंगे मोहता, जंगे यरमौक, जंगे बुसारा, जंगे उल्लाह, जंगे फहल, जंग ए अकबरा और कई सारी जंगें हैं जिन्हें खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से फतह किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था क्योंकि खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर एक जंग में फतह दिलाते हुए आ रहे थे और मुसलमानों को ये लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के वो कोई भी जंग नहीं जीत सकते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद की जगह अबू उबैदा बिन जर्राह को आर्मी चीफ बना दिया था। मुसलमानों में बातें शुरू हो गईं कि ये उमर ने क्या किया, अब इतनी बड़ी फौज से मुसलमान बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंग यरमौक फतह कर ली। फिर हज़रत उमर मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए आए और बोले, खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज़ को ख़त्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब खालिद की वजह से हुई है। कल खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है, ये हमेशा कायम रहेगा।
अपने आखिरी वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि आखिरी वक्त में उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। उनके जिस्म पर ऐसा कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था जहां पर तलवारों और तीरों के निशान मौजूद ना हो, लेकिन उन्हें शहादत नसीब नहीं हुई क्योंकि रसूल अल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्ला का खिताब दिया था। और अल्लाह की तलवार को क्या कोई तोड़ सकता है? नहीं, हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और अगर मौत मुकद्दर में हो तो जिंदगी खुद मौत से लिपट जाती है। दुनिया के बुजदिलों को मेरा एक पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पे ना मरता। सुभान अल्लाह।